नमस्कार। प्रियत मस्क्वा, कागदेला आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा एक महीना हुआ है। आज से ठीक एक महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण
वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है, आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं।
मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या बताइए मैं जो कह रहा हूं सच है कि नहीं है? आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बदला है कि नहीं बदला है? ये 140 करोड़ देशवासियों ने करके दिखाया है। आज 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। आपने भी देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से बाहर निकाल करके ही नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी वो सपने भी देखते हैं, संकल्प भी करते हैं और सिद्धि के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। यह हमारे नागरिकों की मेहनत, लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है। साथियों, भारत में बदलाव सिर्फ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है, ये बदलाव देश के हर नागरिक के, हर नौजवान के आत्मविश्वास में भी दिख रहा है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है
जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये भावना सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे खेलों में भी दिख रही है। बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा, पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है, और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। साथियों, आपने चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा, और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों, जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना,
तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं छठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से
17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली, दिवाली से लेकर हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और यूकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवास्तोक, ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में
जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है, सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है, और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है, और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते रहें। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे, उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा, और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। और अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। साथियों, आप सब पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे।
आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों, ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धि को पार करके रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।